तुम रहने दो बेटे, मैं बना लूंगी, तुम जाओ। हमारी बच्ची कभी भी आपके घर में खुश नहीं रह सकती भाई साहब। आओ आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक। अरे बेटा यकीन करो, मैं तो तुम्हारे हाथ की चाय का फैन हो गया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मुझे ये चाय रोज मिला करेगी। तुम रहने दो बेटे, मैं बना लूंगी, तुम जाओ। जी। भाई साहब, हमने जो कहना था हम कह चुके हैं। प्लीज मम्मी, बस भी कर दें, क्यों बात को तूल दी जा रही है? आपने देखा नहीं कि हादिया के दिल पर क्या गुजर रही है? प्लीज, इतनी छोटी छोटी बातों से, वो भी शादी से चंद दिन पहले आप रिश्ता तोड़ेंगी तो क्या असर पड़ेगा बच्ची पर, दूसरे घरानों पर? क्या मैसेज दे रही हैं आप? इस तरह फिर अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, शादी करके खुश रह सकेगी क्या ये? इससे तो बेहतर है कि अपने माँ बाप के घर में बैठी रहे। कुछ सालों में ही सही, लेकिन अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा, अंधी नहीं लगेगी। शरीफ लोग हैं, लोग जानते हैं हमें। शरीफ लोगों में जबान देकर फिरा भी नहीं जाता। हम तो चले लड़के वाले, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लड़की का रिश्ता टूट जाता है तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना। शीना प्लीज, भाभी को मजीद परेशान मत करो प्लीज। अलीम भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं, भाभी जैसा सोच रही है ऐसा अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूं अलीम भाई के मेरा बेटा थोड़ा लाव बाला सा है, उसकी वजह है क्योंकि वो यहाँ के कल्चर से वाकिफ नहीं है। नया नया आया है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मेच्योर हो जाएगा। आप प्लीज ठंडे दिल से प्लीज एकदम इनकार ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से प्लीज। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।